ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा कलंक हमारी बहुओं के नाम पर है कि बहुएं आती हैं तो घर का बंटवारा करवा देती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बंटवारा कब और कैसे होता है। आप यदि ये मानते कि बहुएं दोषी हैं, चलिए आपकी बात कुछ देर हम भी रख लेते हैं, पर आप विचार करिए कि वाकई बहुएं दोषी हैं। क्योंकि ये जो मैं आपको विषय बताने जा रही हूँ, ये मैंने मेरे माता पिता को भी करते देखा और मेरे आसपास मैंने बहुत से और लोगों को भी करते देखा। होता क्या है, बंटवारा कहाँ से होता है? मित्रों, जब माता पिता बर्तन खरीदने जाते हैं और उनके दो बेटे हैं या तीन बेटे हैं, बेटियां यहाँ गिनती में नहीं आती क्योंकि बंटवारे में बेटियों का वो बात नहीं कही जाती है, बंटवारे तो बेटों का ही होता है क्योंकि बहुएं करवाती हैं। तो जब बर्तन खरीदने जाते हैं तो उस समय माता पिता में एक सोच होती है कि अरे भाई, छह थालियां खरीदी हैं, तीन पे बड़े बेटे का नाम लिखवा दो, तीन पे छोटे बेटे का नाम लिखवा दो, ताकि बंटवारा हो तो टेंशन नहीं, दोनों अपने अपने नाम के बर्तन उठा लें। इस तरीके से जब आप सोचते हैं तो विचार करिए ना, बंटवारे की नींव कहाँ रखी गई है। अभी जिस बहू को आपने देखा नहीं, जिस बहू को आप जानते नहीं, जिसको ने अभी आपको घर में कदम तक नहीं रखा, उससे पहले आपने अपने मस्तिष्क में उस बंटवारे को बढ़ा दिया। और ये जो बातें हैं ये आपके बेटे सुनते हैं और देखते हैं, वो कुछ बातें समझते हैं, कुछ बातें नहीं समझते हैं, पर धीरे धीरे समय जाता है। आगे जाके आप जब घर खरीदते हैं और घर बनाते हैं तो बहुत से माता पिता ऐसा करते हैं कि भाई यहाँ ये, अर्थात वहाँ भी आपने बंटवारा कर दिया, तो जिम्मेदार कौन हुआ? उसके बाद जब बच्चे कमाना शुरू करते हैं तो कुछ बच्चों की सोच में भी आता, कुछ आप लोग भी डालते हैं कि भाई आप कमा रहे हैं, अपनी कमाई इस तरह अपने पास रखिए ताकि कल को आपकी जब विवाह हो तो आपके काम आएगी। ऐसा हमने देखा है, ठीक है। अब आप बताइए कि घर में एकता किसने नहीं रखी? पहले से बंटवारा कौन करता चला आ रहा है? उसके बाद जब बेटों का विवाह होता है, विवाह के बाद बेटा ये जानता है कि मेरे घर में मेरे माता पिता की मानसिकता क्या चली आ रही है, और जो वो अपनी पत्नी से इस विषय में बात करता है तो कुछ बातें और भी सामने आती हैं। तो कहीं पत्नियां ये मांग कर लेती भाई हमें अलग रहना है, और कहीं बेटे ये मांग कर लेते हैं कि भाई हमें अलग होना है। तो ऐसी स्थिति में यदि मूल देखा जाए तो बंटवारे का मूल रखा किसने है, विचार करिएगा मेरी बात पर। आप जब अपने बच्चों को अलग अलग कमरे देते हैं, आप जब अपने बच्चों को बर्तन देते हैं उनके नाम से, तो फिर क्यों बंटवारा नहीं होगा? बंटवारा अवश्य होगा। जब आपने अपने बच्चों को साथ में रहना सिखाया ही नहीं तो बंटवारा अवश्य होगा। जब आपने अपने बड़ों के साथ में रहना नहीं सीखा तो बंटवारा अवश्य होगा। जब बच्चे दादा दादी के और नाना नानी से नहीं जुड़े हैं, बंटवारा अवश्य होगा। क्योंकि जब आप अपने बड़ों से नहीं निभा पाए तो आपके बच्चे भी आपसे नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में बैठी हुई है और इसको बिठाने वाला कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। इसलिए मेरे इस विषय पर विचार करिएगा कि बंटवारा वाकई बहुएं करवाती हैं या इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं भी होते हैं। मैं नहीं कहती कि बहुएं निर्दोष होती हैं, पर हाँ, कहीं दोषी आप भी होते हैं तो सारा दोष मात्र बहुओं पर मत डालिए। क्योंकि एक बात और भी है, आपके घर में बेटे हैं तो आपके आसपास या आपके बहुत ही नज़दीक में बेटियां भी होंगी, आपके घर में भी होंगी या आपके आस पड़ोस में भी होंगी। क्या आपके अपने अपनी बेटियों को या आप स्वयं अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि ससुराल में जाके अलग हो जाना? यदि नहीं सिखाते हैं तो विश्वास करिए आपके घर में आने वाली बहू के माता पिता ने भी उसको यह बात नहीं सिखाई है। क्योंकि आपकी बेटी यदि ससुराल में जाके अलग होती है आपके सिखाए बिना,
तो आपकी बहू भी बिना सिखाए ससुराल में आके अलग हो सकती है। क्या बुराई है उसमें? मित्रों सोच कर देखिएगा, क्योंकि हमारे पैमाने बेटियों के लिए अलग होते हैं, बहुओं के लिए अलग होते हैं। क्यों ऐसा हम करते हैं? यदि हम जब तक ऐसा करेंगे, जब तक हम ये सोचते रहेंगे, तब तक हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो स्थिति हम बना रहे हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो ही आप इन स्थितियों से निपट पाएंगे, अन्यथा तो बस तनाव बढ़ता जाएगा और सब कुछ बिखरता चला जाएगा। विचार करिएगा मेरी बात पर, कोई विषय है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, पर वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आप कुछ विषय बता पाएंगे। और हमें फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, आप हमें वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।